हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज हम बताने वाले फूड मार्केट यानी बिगेस्ट फूड मार्केट हावड़ा कोलकाता, यानी कि कोलकाता हावड़ा एरिया में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट मार्केट है फूड का, तो वो आपको झूला करना पड़ेगा, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वक्त काफ़ी सारे लोग जॉब से हट चुके हैं या काफ़ी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। तो इसमें आज हम बताने वाले हैं, तो वो लोग जो बेरोज़गार है उन लोगों के लिए वीडियो है, ताकि वो यहाँ से कुछ अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर सके, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस वक्त काफ़ी लोगों का रोज़गार जा चुका है या काफ़ी लोग जॉबलेस हो चुके हैं या काफ़ी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। इस वजह से निकाल दिया गया कि काम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, रोज़गार का काफ़ी दिक्कत है। तो इस तरह में इस माहौल में आपको मैं एक बिज़नेस सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कर सकते हो। वेजिटेबल का यहाँ धोलागर बिगेस्ट सुपर मार्केट है, जहाँ पर आप आकर कुछ भी सामान लेकर यहाँ से ले जाकर आप यानी कि कुछ स्मॉल बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बेरोज़गार है, जो लोग बैठे हुए कुछ काम नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन काम करना चाहते हैं। धोलागर में जैसे कि आप वेजिटेबल का बिगेस्ट मार्केट है, यहाँ पे आप जैसे आप फल देख रहे हो, जैसे कि आप वेजिटेबल वगैरह आप देख रहे हो, वैसे मैं आपको दाम भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप देख लेना और अपने मार्केट के हिसाब से यानी अब बाज़ार के हिसाब से कंपेयर कर लेना कि क्या हिसाब से मिल रहा हो, यहाँ पर किस हिसाब से मिल रहा और आप किस तरह से बिज़नेस यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से कुछ कुछ सामान ले जाकर अपने एरिया में बेच सकते हो। वेजिटेबल यानी कि फ्रूट वगैरह, फ्रूट भी मिलता है, फ्रूट का वक्त है करीब सुबह का वक्त है, यहाँ पर फ्रूट आपको मिलेगी और सब वेजिटेबल आपको 11 से शाम 4-5 बजे तक मिलेगी, और फ्रूट तो आपको सुबह 4 से आपको 6-8 बजे तक मिल जाएगी। तो इस टाइम पे इसका बाज़ार लगता है, तो यहाँ पे आप आकर अपने फ्रूट वगैरह या फिर सब वेजिटेबल वगैरह आप यहाँ से ले जाकर अपने इलाके में, अपने एरिया में अपने हिसाब से बेच सकते हो। जैसे कि मैं जैसे कुछ दिन पहले मैंने कल के परसों यानी कुछ 2-4 सब्ज़ी लिया था, वहाँ पे मुझे मिला था करीब 30 से 35 रुपये किलो करके केजी के हिसाब से मुझे मिला, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर बता रहे कि 100 रुपीज़ पल्ला, यानी कि पल्ला के पल्ला उसे कहते हैं, यानी कि 5 केजी को यानी 5 किलो को पल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये पल्ला मिल रहा है, और लेकिन बाज़ार में आपको 30 रुपये किलो या फिर 35 रुपये किलो के हिसाब से आपको सब्ज़ी वगैरह फल वगैरह आपको मिलेगा। फल तो और ज़्यादा दाम है, फल के हिसाब से अलग है, लेकिन आप जो वीडियो में आप देख पा रहे हो तो उस हिसाब से आपको मैंने सारा का सारा डिटेल्स दे दिया है, और फल के यानी फ्रूट के हिसाब से या फिर वेजिटेबल के हिसाब से मैंने उसके नीचे पर रेट लिख दिया है। आप यह अपने हिसाब से अपने इलाके के हिसाब से अपने कंपेयर आप कर सकते हो। Please.
अगर आप देख रहे हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है या कोई काम वगैरह नहीं है, कोई बिजनेस वगैरह या फिर कुछ भी, यानी कि जॉब वगैरह जॉबलेस हो या फिर कोई किसी भी तरह का रोज़गार नहीं है, तो आप ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो या वेजिटेबल ले जाकर यहाँ से आप बाज़ार में ले जाकर बेच सकते हो। यहाँ से आप छोटा सा स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हो। बाकी आप जब अपना आपका काम शुरू हो जाए तो आप छोड़ देना, लेकिन आप फिलहाल के लिए अगर बैठे हो तो या फिर ये काम कर सकते हो। यानी कि आप ये मत सोचो कि छोटा सा कारोबार या फिर लोग इसमें आपको ख़राब बोलेंगे या फिर लोग आपको गलत बोलेंगे या फिर चिढ़ाएंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यानी कि इस तरह से लोगों को बिल्कुल रिएक्शन मत दो, लोगों को हटाओ और ख़ुद से अपना एक छोटा सा बिजनेस करो, कुछ भी करो, अपना करो। यानी इसमें अच्छा रोज़गार है। आप ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी वगैरह बेचते हो तो इसमें रोज़गार नहीं, इसमें भी अच्छा रोज़गार है, काफ़ी लोग कमाते हैं। एग्जैक्टली जैसे मेरा कुछ फैमिली से लोग हैं, दो तीन लोग हैं जो फल फ्रूट वगैरह बेचते हैं या फिर वेजिटेबल वगैरह बेचते हैं, जिनका इनकम करीब हफ्ते का वो लोग कमाते हैं 8 से 9 हज़ार रुपये हफ्ते में कमाते हैं। यानी हफ्ते में इतना ज़्यादा इनकम करते हैं। तो आप भी कर सकते हो। जैसे शुरुआत में दिक्कत होगा आपको, शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, फेस करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप जम जाओगे जिस बिज़नेस में आप करते हो, उस बिज़नेस में अगर आप जम जाते हो तो उसमें अच्छा खासा रोज़गार भी है, इनकम भी है और अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। शुरुआत में आपको ख़राब लगेगा। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग जॉबलेस है या जिन लोगों के पास काम नहीं है, उन लोगों के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका ये वीडियो काम करनी है, तो आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एक लाइक कर देना और 2-4 बंदे के साथ शेयर कर देना, ताकि जिसको ज़रूरत होगा तो ये वीडियो देखकर कुछ अपना इनकम का रास्ता निकाल सके, कुछ अपना रोज़गार कर सके, घर में बैठा ना रहे, कुछ भी अपना कर सके। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप अगर आपके आसपास में या फिर दोस्तों में, फैमिलीज़ में कोई भी लोग हैं जिनको ये वीडियो का ज़रूरत है, तो उन लोगों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को बस लाइक कर देना, ताकि 2-4 लोगों के पास और जाए। तो आज जिसको ज़रूरत है इस वीडियो का, वो वीडियो ये वीडियो देखकर कुछ अपना रोज़गार कर सके। और एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का एड्रेस, यानी कि एड्रेस में सीधा सिंपल एड्रेस में बोल देता हूँ। यह धूलागढ़, यानी कि धूलागढ़ जगह के एरिया का नाम है जो हावड़ा ज़िले में पड़ता है। तो धूलागढ़ आप अगर आना चाहते हो तो आप हावड़ा से भी या फिर कोलकाता से या सियालदा से धर्मतल्ला से आपको धूलागढ़ के लिए आपको आसानी के साथ बस मिल जाएगी। तो आप यहाँ आकर अपना वेजिटेबल वगैरह आप ले जाकर कुछ भी रोज़गार वगैरह आप कर सकते हो। और आखिरी में मैं आपको बता दूं, यहाँ का लोकेशन जो है, लोकेशन धूलागढ़ का है। तो धूलागढ़ का मैंने लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोकेशन के हिसाब से भी आप आ सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ सभी चीज़ का इंतज़ाम है, जैसे होटल वगैरह, यानी कि शॉप वगैरह, खाने पीने का, पानी वगैरह, ठंडा वगैरह, सभी चीज़ का शॉप है। और दूसरी चीज़, यहाँ बिरयानी की दुकान भी है, चिकन बिरयानी की दुकान भी है, और गाड़ी वगैरह भी पार्किंग अच्छा खासा हो जाता है, यानी काफ़ी बड़ी जगह है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा पार्किंग का एरिया है, जहाँ पर आप पार्किंग करके यहाँ से आप बाज़ार वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो और अपने इनकम का रास्ता पैदा कर सकते हो। जरिया कुछ भी होता है यार, काम छोटा बड़ा मत समझना, काम काम होता है, किसी भी हिसाब से, कहीं से हिसाब से पैसा आना चाहिए, क्योंकि फैमिली चलता है उससे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और शेयर ज़रूर करना, ताकि जिसको ज़रूरत होगा उन्हें ये वीडियो देख कर वो अपना कुछ रोज़गार का इनकम निकाल सके। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो या फ्री फायर के गेम से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो देखते हो, तो उस तरह का वीडियो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ अपने सेकंड चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शायद जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक से जाकर आप दूसरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर अपना सब्सक्राइबर वगैरह सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो। नहीं तो कोई बात नहीं।
Thank you.